हे फ्रेंड्स, मैं हूं मैक और आज हमारे पास है ओप्पो का A52 जो कि हाल ही में लॉन्च हुआ है। ये 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट है जो कि हमें मिला है 16,999 रुपये में। तो जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग कर देंगे क्योंकि हमें करना है इसका गेमिंग टेस्ट। तो सबसे ऊपर फ़ोन का बैक कवर था और ये रहा हमारा फ़ोन। शाइनिंग तो इसकी बहुत बढ़िया है। इसको ऑन कर पबजी लोड कर लेंगे बाद में। यहाँ लेफ्ट साइड में पंच होल कैमरा भी है और हमें बॉक्स में मिलता है पावर अडेप्टर, USB केबल और हेडफोन। अब फोकस करते हैं मेन चीज़ पर। बात करें इस फ़ोन की तो इसमें हमें मिलता है 6.5 इंचेस का IPS LCD पंच होल डिस्प्ले 83.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ। चिपसेट है इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 11nm पर। CPU है ऑक्टोकोर और GPU एड्रिनो 610। यहाँ राइट साइड पर जो स्क्रीन लॉक बटन है इसी पर हमारा फिंगरप्रिंट सेंसर अटैच है। इस फ़ोन की एक अच्छी बात यह है कि इसमें हमें मिलती है 5000 mAh की बैटरी। कुछ हाइलाइटेड डिटेल यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो आप। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका गेमिंग टेस्ट। सबसे पहले देखेंगे कि पबजी लॉन्च होने के लिए इस फ़ोन में कितना टाइम लेता है। तो 33 सेकेंड्स लगे हमारा गेम ओपन होने के लिए। तो आ चुके हैं हम लॉबी पर। अब जाएंगे सेटिंग में और देखेंगे कि ग्राफिक्स इसमें कौन से सपोर्ट करते हैं। ओ भाई, ये क्या माजरा है। ग्राफिक्स तो हमारे स्मूथ ही है और यहाँ पर फ्रेम रेट हमको सिर्फ हाई का दे रहा है। कम से कम अल्ट्रा का तो फ्रेम रेट देना चाहिए था। ग्राफिक्स चेक करते हैं। ओह, ये क्या बात हुई यार। ग्राफिक्स तो सिर्फ बैलेंस पे किया और फ्रेम रेट एकदम से मीडियम पर। और तो और ये देख लो, HD तो सपोर्ट भी नहीं करता इसमें। वाह, ये क्या बात हुई भाई, ये तो स्कैम हो गया हमारे साथ। देख लो गाइस, ओप्पो वाले कैसे चूना लगा रहे हैं हमको। यार इस दौर में तो आप 16-17 हज़ार का कोई भी फ़ोन लोगे तो उसमें HDR ग्राफिक्स के साथ साथ आपको अल्ट्रा का तो कम से कम फ्रेम रेट मिलेगा ही। और इस फ़ोन में तो HD भी नहीं हो रहा, तो HDR और अल्ट्रा HD तो क्या ही होगा। पर अब क्या कर सकते हैं। तो पहले स्मूथ ग्राफिक्स पर खेल कर देखेंगे इस फ़ोन की परफॉर्मेंस कैसी होगी। फ्रेम रेट को हाई पर सेट कर देंगे। इसको ओके कर लेते हैं और यहाँ देख लो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ऑन है और बैटरी इसमें है 85%। तो मैं कर लेता हूँ जल्दी से मैच को स्टार्ट, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग अपना गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाहते हैं उनको भी पता चल जाएगा कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय ये फ़ोन कैसी परफॉर्मेंस देता है। और इस फ़ोन के स्क्रीन रिकॉर्डर में इन गेम साउंड की सेटिंग नहीं है। जो भी साउंड रिकॉर्ड होगा वो इस फ़ोन के माइक से ही होगा। तो कंट्रोल थोड़े से सेट कर लूँ एक बार ताकि खेलने में दिक्कत ना हो। तो यार देख लो, शुरुआत से ही लैग शुरू। कितना अटक अटक कर चल रहा है गेम। देख लो यार, ऐसे लैग में क्या खेल पाओगे आप गेम। फ्रेम्स तो सारे स्क्रीन से चिपक ही जा रहे हैं भाई। ये फ़ोन तो बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है गेमिंग के लिए। लो ग्राफिक्स में भी इतनी गंदी परफॉर्मेंस। देख रहे हो गाइस कितने फ्रेम्स अटक रहे हैं। प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 665 और GPU एड्रिनो 610। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म रहने के बाद भी इस फ़ोन की परफॉर्मेंस ऐसी होगी, यकीन नहीं होता। डिस्प्ले भी इसमें हमें IPS LCD मिलता है जो कि इस प्राइस रेंज में सैमसंग हमें सुपर एमुलेट डिस्प्ले देता है, जो कि मुझे तो IPS LCD से बेटर लगता है। अरे भाई, इतनी गोलियां चलाई फिर भी डाउन नहीं हुआ यार। बहुत स्लो चल रहा है फ़ोन। बहुत अच्छे यार, इस फ़ोन में तो गेम नहीं खेल सकते। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से बहुत ज़्यादा लैग हो रहा है।
marked a location. Cover me! Blue team is in the lead. यार इतनी गोलियां चला रहा हूँ लेकिन बंदे को लग ही नहीं रही है, देख रहे हो? तो यार देख लो, जो लोग गेम प्ले रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो तो इस फ़ोन में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करोगे तो आप गेम नहीं खेल पाओगे ठीक से। एक गेम मैंने बिना रिकॉर्डिंग किए भी खेला है इस फ़ोन में, बिना रिकॉर्डिंग किए अच्छे से चल जाता है गेम स्मूथ ग्राफिक्स पर। ये मैच तो जीत गए हम हमारी टीममेट्स की वजह से, वरना तो इम्पॉसिबल था। तो यार एक मैच बैलेंस ग्राफिक पर भी खेलकर देख लेंगे, जो कि इस फ़ोन के हायर ग्राफिक्स हैं मीडियम फ्रेम रेट के साथ। तो यार यहाँ मुझसे और नहीं खेला जा रहा था इस फ़ोन में, तो मैंने अपने फ्रेंड को दिया यहाँ खेलने के लिए। तो यार देख सकते हो आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो गेम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। हाँ लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि गेम लैग कर रहा है लेकिन फ़ोन अभी तक हीट नहीं हुआ है। यार इस फ़ोन में मुझे तो ऐसी कोई ख़ास बात लगी नहीं कि ये फ़ोन 17,000 रुपये का होगा, सिवाय इसके बैटरी के जो कि 5000 mAh है, तो बैटरी लाइफ हमें ज़्यादा मिलेगी। तो यार ये भी मैच जीत गए किस्मत से 5 किल के साथ। तो अब हिटिंग की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर है, यहाँ बस कैमरे के पास थोड़ा सा गर्म है एंड बैटरी भी ज़्यादा नहीं उतरी। देख लो आधे घंटे के गेम प्ले में सिर्फ 6% बैटरी ड्रेन हुई, तो बैटरी लाइफ इसकी अच्छी है। इसके अलावा मुझे तो इस फ़ोन में ऐसा कुछ नहीं लगता कि इसकी प्राइस 17,000 रुपये होनी चाहिए। तो मेरी राय तो यह है कि आप अगर गेमिंग के लिए फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन तो बिल्कुल भी ना ले। तो इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।